नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर साउथ में। आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ साउथ की टॉप 5 बेहतरीन फिल्मों के बारे में, जिनमें हमें मर्डर मिस्ट्री एक्शन क्राइम सस्पेंस कॉमेडी थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलेगा। इनमें से कुछ फिल्में हैं जो हाल ही में रिलीज हुई है और कुछ फिल्में हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, और वो कहाँ देख सकते हो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ये सारे फिल्में एक से बढ़कर एक है, जिनकी कहानियाँ काफ़ी थ्रिलिंग अमेजिंग और आपको फिल्में पूरी तरह से एंगेज करके रखती है, और ये पांचों फिल्में एक मस्ट वॉच है। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में बिना स्किप करके बने रहे, ताकि आपसे एक भी मूवी मिस ना हो। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नंबर 5 पर आती है 2022 की एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म O2, जिसमें आपको नयनतारा लीना जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। कहानी की बात करते हो, कहानी एक माँ और बेटे के इर्द गिर्द घूमती है, जो कुछ यात्री के साथ एक अप्रत्याशित घटना में फंस जाते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आखिर वो लोग उस स्थिति में कैसे सर्वाइव करती है और एक माँ अपने बेटे को कैसे बचाती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरी मूवी को देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7/10। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छी है, जहाँ पर सर्वाइव के साथ साथ थ्रिल का तड़का भी देखने को मिल जाएंगे। जिसे आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। नंबर 4 पर आती है 2021 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म सूर्यवंशी, जिसमें आपको अक्षय कुमार रणवीर सिंह जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। कहानी की बात कर दो, कहानी मुंबई पे होने वाले एक आतंकवादी हमले की इर्द गिर्द घूमती है, जिसे दो पुलिस ऑफिसर सिंघम और वीर सूर्यवंशी रोकना चाहते है। तो आखिर कैसे वो पुलिस ऑफिसर उस हमले को रोकता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरी मूवी को देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 6/10। दोस्तों, मूवी बहुत ही कमाल की है, जिसे आप देखना चाहते है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। नंबर 3 पर आती है 2024 की एक साइफाई एक्शन फिल्म आयलान, जिसमें आपको शिव कार्तिक या राकुल प्रीत जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। कहानी की बात कर दो, कहानी एक ऐसे एलियन के इर्द गिर्द घूमती है, जो पृथ्वी पर आकर अपने घर जाने का रास्ता भटक जाता है और अपने घर जाने का सिग्नल भेजती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक साइंटिस्ट उस एलियन को बंदी बनाकर एक्सपेरिमेंट करना चाहते है, लेकिन आयुष नाम का एक लड़का उस एलियन को मदद करने के लिए आगे आता है। तो अब आगे क्या होता है, क्या ट्विस्ट और टर्न आता है, जानने के लिए आपको पूरी मूवी को देख होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1/10। दोस्तों, मूवी में आपको बहुत सी ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। नंबर 2 पर आती है 2021 की एक हॉरर मिस्ट्री मूवी द प्रीस्ट, जिसमें आपको मामूटी निखिला बिमल जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। कहानी की बात करते हो, कहानी कर्मन नाम का एक आदमी पुलिस के साथ मिलकर एक मर्डर मिस्ट्री वाले केस की चार्ज करता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चार्ज के दौरान कुछ रहस्यमय घटना का खुलासा होती है। तो आखिर ऐसा कौन सा रहस्य का खुलासा होती है और इस मर्डर केस की रहस्य क्या होता है, जानने के लिए आपको पूरी मूवी को देखनी होगी। फिल्म की IMDb रेटिंग है 6/10। दोस्तों, मूवी काफी अच्छी है, जहाँ पर आप को बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल जाएंगे। जिसे आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। नंबर 1 पर आती है 2020 की एक मिस्ट्री क्राइम फिल्म लॉ, जिसमें आपको रागिनी श्री फालहर जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। कहानी की बात करते हो, कहानी नंदिनी नाम का एक जूनियर लॉयर की इर्द गिर्द घूमती है, जो अपराधी को सजा दिलाने के लिए अपना केस खुद लड़ती है। तो आखिर नंदिनी के ऊपर ऐसा कौन सा केस था जिसको लड़ने के लिए खुद मजबूर हो जाती है। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरी मूवी को देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3/10। दोस्तों, मूवी में आपको एक यूनिक सी स्टोरी देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप देखना चाहते है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। सूत्रधारी तो ये थी आज की टॉप 5 फिल्में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और ऐसी लेटेस्ट और बेहतरीन मूवी के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सुपर साउथ को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।